सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मीला सिद्धांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरल श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी भक्त वृंदों के चरणों में यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत है। भक्तों ने उनका अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया है हम लोगों ने उसको सुन रहे थे। इसलिए किसी ने प्रश्न किया कि ये संसार क्या बद्ध जीव के लिए कारागार है? बद्ध जीव मतलब जो भगवान को भजन को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति सेवा को छोड़ करके जो संसार की भोग वासना को की है। हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते हैं, ये संसार का संसार को हम भोग करना चाहते हैं, क्या तो उनके लिए क्या ये कारागार है? तो प्रभुपाद कहते हैं जहरा यही जगत कौन जिनिस चानना सही निष्किंचन भक्तगण विचार करें यही जगते एमन कौन वस्तु नहीं जा हमा दिग के चिरकाल सुख दिखे पारे। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान का निष्किंचन भक्त है मतलब क्या है? कहते जो जो इसी जगत में जो इसी जगत का कोई वस्तु को प्राप्त करना नहीं चाहते। इसलिए भक्त लोग अगर भगवान बोले बेटा हमसे कुछ मांग लो, भगवान कहते प्रभु हमें इस संसार का कोई चीज नहीं चाहिए। कहते ना धनम, हमें धन भी नहीं चाहिए, ना जन्म, इस जगत का कोई लोक भी नहीं चाहिए, नहीं तो इस संसार की कोई सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए हैं, कविता हमें कोई विद्वान नहीं चाहिए। बोले चाहिए क्या? बोले जैसे जन्मा जन्मांतर में तुम्हारी चरण में हमारी अहित की भक्ति और प्रभु के चरण में प्रेम हो। जो शुद्ध भक्त है यही चीज चाहते और कोई चीज नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले और कोई चीज क्यों नहीं चाहते? बोले इसलिए नहीं चाहते हैं जो निष्किंचन भक्त हैं। कहते इसलिए नहीं चाहते हैं, कहते ये जगत का कोई भी वस्तु है ना वो हर समय के लिए सुख नहीं देता है। कोई भी वस्तु, पैसा नहीं पैसा नहीं, पैसा मांगा भाई भाई में लड़ाई शुरू हो गया, बहन बहन में लड़ाई हो गया, दामाद दामाद में लड़ाई हो गया, बहू बहू में भाई भाई में लड़ाई हो गया, बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा मांग लिया कुछ दिन बाद में बेटा बात ही नहीं सुनता। कभी कभी कहते हैं क्या पूर्व जन्म का शत्रु तो बेटा बन करके नहीं आ गया? कहते ना पूर्व जन्म का शत्रु तो बेटा बन करके नहीं आया, बात नहीं सुनता है। कि जगत में कोई भी अब वस्तु मांगो ना है, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, फिर देखते हैं शादी के बाद कितने लड़ाई हुआ डाइवोर्स का है स्थिति आ गई है, जाकर के कोर्ट में जाकर के चक्कर काटते हैं डाइवोर्स के लिए। पहले बोलते हम शादी करें शादी करें। अब देखना जगत का कोई भी वस्तु है ना आपको हर समय के लिए कोई भी चिर सुख नहीं देने वाले, इसलिए इसका नाम कहते हैं संसार। संसार मतलब है हमसे हर समय जो अलग होते जा रहे अलग होते जा रहे। पिताजी के पिताजी वो भी गए, पिताजी के पिताजी वो भी गए, दुनिया गए हम भी एक दिन, कोरोना में कितना लोग चले। इसलिए कहते जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना उनको जानते हैं ये संसार का कोई भी वस्तु आपको हर समय के लिए इस सुख शांति नहीं देने वाले हैं। कोई भी वस्तु तुम्हें सुख शांति देने वाले नहीं, इसलिए वो कहते हैं इसलिए हम लोगों को ये चिरकाल के लिए सुख नहीं देगा। इसलिए अगर भगवान कहते कोई चीज चाहो तो बोले प्रभु आपकी भक्ति दो, प्रेम दो, आपकी सेवा दो, जो हर समय हमें संसार में सुख और हमें शांति देने वाले हैं। इसलिए यही जगत नित्य सुखद कौन वस्तु नाई, यही पृथ्वी थी बद्ध जीव रे कारागार। यदि यहाँ पर कोई भी वस्तु हर समय के लिए सुख देना सुख नहीं देता है, क्योंकि जो संसार है कहते ये संसार क्या है? बोले जो जीव भगवान को भूल गया उनके लिए ये कारागार। जैसे कारागार, कारागार क्यों बनाते हैं, जेल खाना क्यों बनाते हैं? जब कोई व्यक्ति गलत काम करे, चोरी करे, बदमाश करे, उनको दंड देने के लिए कारागार। इसलिए हम भी जो चोरी किया है,
हम लोगों ने आश्रम चोरी किया है, हम लोगों ने सब गलत काम किया है, इसलिए भगवान बोले जाओ संसार में देख लो, मेरे सेवा नहीं चाह रहे हो, अपना सुख चाहते हो, संसार का भोग चाहते, देख लो संसार में है, इसलिए कि संसार एक कारागार है। बोले क्यों? पर ये क्यों दंड देती है माया? जैसे किसी कोई कारागार में गई ना, कारागार में कोई तो गए नहीं, यहाँ पर कोई है कारागार में? वहां पर देखना बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, अपना परिवार से कोई बात नहीं कर सकते हैं, जो चाहोगे वो खा नहीं सकते, जो चाहोगे वो कर नहीं सकते हो, वहां जो खाना देंगे पतली पतला दाल और सूखा रोटी वही खा कर जाना पड़ेगा, रहना तुमको पड़ेगा है, इसलिए काम कराएंगे, अब तुमको ऐसे नहीं बैठ बैठ कर खाने देंगे, दिन भर तुमको काम कराएंगे, चक्की पीसो ये करो काम कराएंगे। अरे जब दंड देते हैं ना भैया, बोले भैया और नहीं है भैया, चोरी करने से तो दंड मिलता है, फिर कहता भैया और जेल नहीं, फिर जब छूट जाता है ना कहते और चोरी नहीं करेंगे, कहते उसी तरह इसी संसार में भगवान क्यों ये संसार में दुख क्यों दिया? किसने पूछा प्रभु भगवान संसार में दुख क्यों दिया, किस लिए इसे दुख दिया है? बोले इसलिए दुख दिया है, दुख देगा तो फिर सुख चाहोगे ना, दुख नहीं देगा तो कहते ना सुख में दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो स्मरण करे दुख काहे को आए, इसलिए भगवान इस संसार में दुख कष्ट दिया, जीव को पता चले इस संसार में परमानेंट कोई सुख देने वाले नहीं, जब सुख नहीं देगा फिर सुख फिर सुख ढूंढोगे ना, और सुख ढूंढते ढूंढते फिर कहाँ मिलेगा? बोले प्रभु की चरण में मिलेगा, प्रभु की चरण में मिलेगा। इसलिए माया क्या कर रही है संसार में, तरह तरह का दुख कष्ट दे रही है, ये भी जैसे जेल में कारागार में दंड देता ना, वो बद्ध जीव के लिए कल्याण के लिए, जो कारावास करते उनको मंगल के लिए, उसको पता चले चोरी करने से क्या सजा मिलते हैं, इसलिए भगवान दुख दे रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा छोड़ करके भक्ति छोड़ देगा, उनको पता चले भैया संसार में कितने दुख कष्ट है, बल दुख कष्ट होगा तो सुख ढूंढेगा, और सुख ढूंढते ढूंढते कहाँ मिलेगा सुख? ठाकुर जी की चरण में और भगवान की नाम को जप करने से। एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हमारा कृष्ण बहिर्मुख है यार, एखानकार बंदी है या पड़िया थी, हमने इस संसार के बंदी कारागार में क्यों आए? यहाँ पर भी खुला रहने पर भी सब खुला नहीं है। अब सोचोगे जो बंदीशाला में है, अरे वही केवल बंदी नहीं, हम संसार में रहते हुए क्या खुला हो? हाथ खुला है, अब चाहने पर कहीं जा सकता हूँ, जब तक तो इनको पूछेगा नहीं, ये कहीं जा सकती है, आपको बिना पूछे चली जाएगा तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। इसलिए कहाँ गई थी? इसलिए गई थी, क्या कर रही थी इतना समय तक, क्या किए? इसलिए संसार में भी हाथ प्यार पूरा सबको बंधा हुआ, किसकी बंधा नहीं बता, संसार में सबकी हाथ प्यार में जंजरी पड़ा हुआ है, दिखता नहीं है जंजरी, लेकिन घर से एक प्यार भी बाहर नहीं रख सकते हो, संसार की माया में ऐसे बंधे हुए हो, ऐसे बंधे हुए, दिखती नहीं है जंजरी, लेकिन पूरा पूरा जंजरी से हम बंधे पड़े हुए सबके साथ हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं, इसलिए हमारा कृष्ण बहिर्मुख है या, हम लोगों ने भगवान से बहिर्मुख होकर के यहाँ पर बंदी हो गए, ऐ जने अमादरे ए तो दुख कष्ट का कारण है भगवान को भूल गया। कृष्ण बोले सही जी, अनादि बहिर्मुख अतएव माया कार्य दे संसारी दुख, कितने संसार में दुख कष्ट है, क्योंकि कृष्ण को भूलने का वजह से ही सारे दुख कष्ट है। हमारा मन रूप जेल दारोगार हुकूमत यही कष्ट बोले के सुख बलिया मन करते छी एवं यथेष्ट कष्ट पाते छी। यदि यहाँ कह रहे हैं कहते हमारा मन रूप जेल दारोगार हुकूमत एक कष्ट बोली, कहते हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे दारोगा होता है ना, जो पुलिस होता है, हैं हैं, कहते जेल दारोगार जैसे जेल में, जैसे वहां पर जैसे गेट कीपर होता है, दरवान होता है, कहते जैसे ये किया है, ये हमारे मन है,
ये मन को उदाहरण दिया कैसे, जैसे जेल रूप में जो दारोगा है हुकूमत, जैसे जेल में जब कोई रहता है ना, वो क्या करते हैं, अपना इच्छा मत थोड़ी चल सकता है, नहीं चल सकता है, हैं? वो जैसे दरवान जेल में जो पुलिस जो ऐसे बोलेगा वो वैसे ही वो करता है, हैं? कहते हम भी क्या कर रहे हैं, ये हमारे मन ही एक दारोगा है, मतलब कौन है दारोगा, क्या पुलिस है, हैं? जेलर, इसलिए मन ही ये हमारी एक जेलर है, इसलिए उसकी इच्छा जैसे हम वैसे ही सबके सब कर रहे हैं। इसलिए कष्ट बोल के सुख बोलिया मन करते छी एवं जथेष्ट कष्ट पाते छी। संसार में जो कष्ट है दुख है ना, हम उसको सुख मान रहे हैं, संसार में जो दुख है ना हम उसको सुख मान रहे हैं, लगता है शायद सुख है, इसलिए और यहाँ पर कष्ट को ऊपर में कष्ट, कष्ट को ऊपर में कष्ट भोग कर रहे हैं। इसलिए कहते जे सकल मूर्ख माई की जगत है विषय भोग प्रति धावित होते थे तहार मायार फांदे हैया जाइबे। यदि जो लोग जो मूर्ख लोग है, हैं वो क्या करते हैं, शायद ये लोग ये सोचते हैं ये संसार का साथ विषय भोग करके ना शायद हम सुखी हो जाएंगे, हैं? शायद संसार का विषय भोग करके शायद हम संसार में सुखी हो जाएंगे। कहते नहीं, कहते फांदे हैं, कहते फांदे मतलब संसार रूपी बंधन में हम पढ़ करके क्या कर रहे हैं, दुख कष्ट ही भोग कर रहे हैं संसार में, हैं? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, हैं? कोई काम से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई सास से दुखी, देख लो कौन 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 सा किसी दुखी में दुखी हो। इसलिए ये सब किस लिए, कि संसार रूपी फांदे में पड़ करके, फांदे मतलब जो बंधन में पड़ करके कारण भगवान को भूल गए, लेकिन कभी कभी ये दुख को ना, ये दुख को हम सुख मान लेते हैं, ये दुख को कभी कभी हम सुख मान लेते हैं, इसलिए ये संसार में हम फंसे हुए। जहारा गृह व्रत तहारा मन करे हमारे सेवक दरकार, हमारा गृह व्रत हैया सुविधा करिया लैब, हमारा निजर इंद्रिय परिचालना द्वारा सब बुझिया लैब। कहते ये जब हम इस संसार की माया में पड़े, यहाँ पर कह रहे उस समय हमारी स्थिति क्या होता है, संसार रूपी माया में जब आए, कहते क्या स्थिति क्या होता है, कहते जो लोग गृह व्रत है, ये सभी के लिए नहीं, अगर जिसकी संसार में भजन हो रहा है, पत्नी भी भजन करती है, पति भी भजन करता है, बेटे भी भजन करते हैं, बहू भी भजन करते हैं, पुत्र भी भजन करते हैं, अगर जिसके घर में सबके सब भक्ति कर रहे हैं ना, वो तो भगवान का धाम है, वो भगवान का वृंदावन धाम है, क्योंकि सबके सब हरि नाम कर रहे हैं, तिलक लगाए, गले में कंठी, सवेरे उठ करके माला जप करते हैं, ठाकुर का आरती करते हैं, घर में बैठ कर गीता रामायण पढ़ते हैं, भगवान की भजन करते हैं, जिस घर में सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं ना, ये बड़े भाग्य से भी मिलता है। अब देखना कभी कभी पति अगर प्रभु का भजन में चले, पत्नी एकदम नहीं चलती, एकदम बात नहीं, उल्टा करती है, कभी कभी देखना पत्नी अगर भगवान की भक्ति करता ना, पति पूरा के पूरा उल्टा। इसलिए कल एक माता जी मेरे को बोल रहे थे, बोले मेरे पति शराब पीता है, मांस खाता है, जितना अब कली का स्थान बताया ना, पता ना चार स्थान में कली का स्थान है, बोले सब मेरे बेटे मेरे पति के अंदर में सारे चीज़ें, ऐसे कोई चीज वो छोड़ा नहीं, सब उसका अंदर में, मैं बोलता हूँ भजन कर भक्ति कर, एकदम कहता चलो भागवत कथा हो गया चलो, एकदम यहाँ आना नहीं चाहता है, एकदम यहाँ आना नहीं चाहता। इसलिए अभी हम क्या करें, हमारी मंगल कैसे हो, वो एकदम भक्ति में उसका कोई रुचि नहीं। मैंने कहा एक बार मेरे पास में ले आओ, उसको पकड़ करके ले आओ, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने के लिए। बोला आए तो वो आए तो तभी ले। इसलिए अब देखना बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों का है ना, जिसको पति में भी भक्ति में रुचि है, जिसको पत्नी में भी भक्ति की रुचि है, बड़े भाग्य से मिलते हैं, हैं? फिर अगर बच्चे भी अगर ऐसे हो जाए, क्योंकि पिता माता की बात सुने, भगवान की भक्ति करे, तुम तो सोने में सुहागा है, वो संसार नहीं, वो तो भगवान की धाम है, किस घर में भगवान की भक्ति सबके सब करे, हैं? लेकिन यहाँ पर कहते जो गृह व्रत है, गृह व्रत मतलब होता है जिन लोगों ने ये संसार की वस्तु के व्रत मान लिया, केवल पैसा कमाओ, पैसा कमा कर खा पियो और मर जाओ, भगवान भगवान नाम का कोई चीज जगत में कुछ है ही नहीं, खाओ पियो मस्त रह करके
मर जाओ, जिसने अपना घर को ही अपना खूंटा बना करके, हम देखना जो बैल होता है ना, हम लोग देखे नहीं गाँव में, जो बैल को खूंटा में बांध देते हैं और वहां पर जो धान का पेड़ होता है ना उसको लगा देते, वो घूमता है, उसका चारों तरफ में घूमता रहता है, और उसको आँख बांध देते पट्टी, उसकी चारों तरफ में ही घूमता रहता है। इसलिए माया ये भक्तिमोहन ठाकुर का भजन है, चौकू बांधा कलु बल धरे बतो। हाँ, माया माया हमारे घुरा भी करतो, मतलब जैसे आंख पूरा वो चार तरफ में बैल घूमता है ना, जो व्यक्ति है बस कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, केवल पैसा कमाओ खाओ पियो, ये संसार का चार तरफ में केवल चक्कर काटते रहो, भगवान भगवान नाम कोई चीज है नहीं। इसको क्या कहते हैं, वो गृह व्रत है, जिसने अपना खूंटा गाड़ दिया संसार में और उसको ही जिसने व्रत मान लिया। वो लोग क्या सोचते हैं, वो सोचता है हमारे सेवक दरकार, हमारे गृह व्रत ही सुखी लय हो, इसलिए वो क्या सोचते हैं, शायद इस संसार में रह करके शायद हम सुखी हो जाएंगे, हैं सुखी हो जाएंगे, हमारा निजर इंद्रिय परिचालना द्वारा सब बुझिया लय हो, हम अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे, इंद्रिय को है परिचालना करके हम सब समझ जाएंगे, हमें भगवान भगवान की कोई जरूरत नहीं। राजनैतिक साहित्यिक पंडित धनी परार्थी देश नेता विद्वान कर्मी प्रवृत्ति हरिवार आकांक्षा मायार प्रभु हरिवार चेष्टा मात्र। जो लोग सोचते हैं इस संसार में लोग क्या चाहते हैं, एक दिन हम बहुत बड़े नेता बन जाए, सोचते हैं ना जगत का बहुत बड़ा, हम एक नेता बन जाए, कोई बोलते हैं हम जगत का बहुत बड़े के फिलोसफर बन जाए, कोई कहते हैं जगत में मैं बहुत बड़ा है कि पंडित बन जाए, कोई कहते जगत में मैं एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन जाऊं, कोई व्यक्ति कहते देश का नेता बन जाऊं, कोई सोचता है हम विद्वान बन जाए, ये जितने आकांक्षा है प्रभु होने के लिए जगत में, हम जगत का जितने मालिक बन जाए हैं, जगत का ये पोस्ट हमें मिल जाए। किंतु प्रहलाद महाराज बोले इंद्रिय गुली के बाहिर दिगे चालना करियाओ करियो ना, तुम्हार बहिरर्थ मानी है ना, हमारा देहात्मवादी व गृह व्रत हैया जगत प्रभु साजी आछी, हमारा जगत के भोग नेत्र देखिया गया मने करिए। इसलिए प्रहलाद महाराज उसको पिताजी जो पूछे हैं, प्रहलाद ये बताओ मैं जो कुछ प्रश्न करता हूँ क्या बोलते हो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान का नाम करो, भगवान का स्मरण करो, उनकी चरण की सेवा करो, जो कोई प्रश्न करता हूँ क्या केवल भगवान की भक्ति 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 की तुम बात करते हो। तो प्रहलाद महाराज कहते पिताजी ये जो इंद्रियां हैं इसको जितने बहिर्मुख, बहिर्मुख मतलब भगवान से जितने ये इंद्रियों को दूर रखोगे ना उतना ही अशांति उतना ही दुख कष्ट है। अगर पिताजी अगर ये मन को शांति दिलाना चाहते हो क्या करो, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दो। अंतर्मुखी मतलब होता है जब ये इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, जैसे कान दो कान है, जैसे श्री अम्बरीश महाराज क्या करते थे, बोले सबई मन कृष्ण पधारविंद, अपना मन को इधर उधर काम में नहीं लगाते थे। उसमें अम्बरीश महाराज कौन थे जानते हो, कल कल दो माता जी आई थी, शायद उनका स्कूल है, शायद उनका स्कूल है, हमने कहा देखो मैंने जो कथा कल सुना रहे थे ना, दोनों माता जी मेरे पास में आए, एक माता जी बोले तुम्हें हरि नाम दो और एक माता जी बोले मैं भी भजन करूंगी, और बहुत सारे संसार की बात होता है, बहुत सारे संसार की दुनिया की बात होता है, दोनों का स्कूल अपना स्कूल है। मैंने कहा देखो अभी 4 दिन कथा है, कम से कम 4 दिन कथा सुन लोगे ना, आज तक तो कितना सारे बात सुनी ज्ञान होगा, बोले हाँ आज तो हमें बहुत कुछ बात सुनने को मिला। मैंने क्या सुनने को मिला, बोले कहते बच्चों को भजन में लगानी चाहिए, अगर बच्चे अगर भजन नहीं करेंगे तो अगर हमने जो पैसा कमा कर गए हैं पैसा अगर छोड़ करके जाएंगे, बच्चे अगर गलत रास्ता में लगाएंगे तो हमें स्वर्ग जाने पर भी शांति नहीं मिलेगी, ये चीज़ तो हमें पता चला। इसलिए बच्चों को भक्ति की राह पर चलाओ, भक्ति की राह पर चलाओ, फिर क्या होगा, फिर जीवन में शांति सुख मिलेगा। मैंने कहा अगर 4 दिन कथा सुन लोगे ना तुम्हारी काया बदल जाएगी, काया तुम बदल जाएगी, बोले हमारी स्कूल दोनों का स्कूल है, मैंने जिंदगी भर स्कूल स्कूल किए हो हैं, जिंदगी भर स्कूल करते रहोगे, लेकिन जब तक संतों का संग नहीं करोगे ना
इसलिए बोले बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ नाश हुई। जब तक तुम बोले हम तो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, मैंने कहा करोड़ों काल भी भगवान की सेवा कर लोगे ना, भगवान तुमसे कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान तुमसे कुछ बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे तो कौन बोलेगा, साधु लोग ही बोलेंगे ये गलत काम क्यों कर रहे हो, भजन करो भक्ति करो, वो कौन बोलेगा तुमको, भगवान बोलेंगे तुमको। ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन दिया, तो उन्होंने बोले वर मांगो, उन्होंने क्या मांगे, भगवान को मांगे, बोले भक्त का संग दो, भक्त संग में तुम्हारी हरि कथा सुनेंगे तो क्या होगा, अपने आप ये मन आपके चरण में लगा रहेगा, अपने आप लगा रहेगा। इसलिए क्या करो, मैंने कहा स्कूल जिंदगी भर रहेगा, पैसा जिंदगी भर कमाओगे, अभी 4 दिन हैं, अभी स्कूल दूसरों को बंद दे करके कम से कम 2-3 घंटा पहले आ जाओ, भागवत सुन लो, माला ही माल हो जाओगे हैं। इसलिए मैंने उनको फिर बोला, बोले अम्बरीश महाराज कौन थे बोलो, तुम तो एक स्कूल का मालिक यानी हो, अम्बरीश महाराज तो उस समय संपूर्ण ये पृथ्वी के ऊपर राज्य तो कर रहे थे, ये पृथ्वी के ऊपर राज्य तो कर रहे थे, पृथ्वी का राजा थे, भारत का नहीं पृथ्वी का। लेकिन वो करते थे क्या, राज कार्य तो नौकरों को देकर करवाते, भैया नौकर लोग तुम कर करो, क्योंकि कार्य कोई कर सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति और किसी को तरह प्रभु का भक्ति नहीं करवानी चाहिए, और इसी जीवन में ही प्रभु प्राप्ति होगा, और किसी जीवन में प्रभु की प्राप्ति हमारी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने जानते थे यही परमार्थ साथ में जाएगा, इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है, इसलिए भगवान की भक्ति यही साथ में जाएगा। इसलिए भगवान की सेवा किसको नहीं देते थे, क्या करते थे, बोले सबई मन कृष्ण पदारविंद, अपना मन को कहाँ लगा कर रखते थे, भगवान के चरण में। बोले बाचांस वैकुंठ गुणानुवरण, वाणी को द्वारा क्या करते थे, भगवान की गुण कीर्तन करते थे। इतने बड़े राजा, बोले करौर हरिर मंदिर मार्जनादेश, अपना हाथों से ठाकुर की मंदिर साफ करते थे, अपना हाथों से हैं, हाथों से साफ करते थे। बोले श्रुति चकार अच्युत सत कथा दयो, कानों से क्या करते थे, भगवान की कथा सुनते थे हैं, प्यार से क्या करते थे, मंदिर परिक्रमा करते थे। सारे इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, लगा दिया तो क्या हुआ, ठाकुर स्वयं सुदर्शन चक्र को भेज दिया। कोई कहते हैं ना भैया, अगर भगवान की सेवा में लग जाएंगे हमारी दुनियादारी कौन देखेगा, तो उसकी सोचते हमारे संसार कौन देखेगा। देखो जब उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को भेजे, बोले सुदर्शन चक्र इनको रखा करते रहना, कोई विपत्ति आपत्ति आए तो इनको देखना। जब दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर के आए और जटा को उखाड़ कर पटक दिया, राक्षस प्रकट हुआ, बोले इसको मारो, उस समय क्या हुआ, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, प्रकट होकर के वो राक्षस को मार दिया। फिर पीछा किसका किया, किसका पीछा किया, दुर्वासा जी की पीछा किया। दुर्वासा जी कौन है, शंकर जी की अवतार हैं ये, शंकर जी के प्रकाश से ये दुर्वासा इतने बड़े, लेकिन उनको खदड़ते हुए पहले ब्रह्मलोक में ले गया, ब्रह्मलोक में भी उनको रक्षा नहीं हुई, फिर ले गए शिवलोक में, शिवलोक में भी रक्षा नहीं हो पाई, गए वैकुंठ तक। भगवान ने कहा भैया प्यार से कांटा चुभने से सर में नहीं निकले, प्यार में निकलेगा, जाओ अम्बरीश के चरण में जाओ। मतलब भगवान की अगर हम भक्ति करें, भजन करें ना, जो भगवान की भक्ति करते ना, भगवान उसको सारे चीज को ठाकुर जी रखवाले करते हैं। ये विश्वास हमारे अंदर में, ये विश्वास हमें आने चाहिए, ये विश्वास को अगर सचमुच से हम भगवान की भजन करें, भगवान स्वयं घर में दरवान बन जाते हैं। भगवान क्या बन जाते हैं, दरवान बनकर रखवाली करते हैं, जो चीज नहीं होना सर पर रख करके भक्तों घर में पहुंचाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमारा देहात्मवादी, इसलिए कहते बहिरर्थ मानिना, इसलिए प्रहलाद कहते पिताजी ये इंद्रियों को बहिर्मुख मत किया करो हैं, ये विषय में मत लगाया करो, ये इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दो। अंतर्मुखी मतलब होता है हर समय भगवत चिंतन स्मरण, भगवान की भक्ति में भी ये मन को लगा दो, इसी से ही पिताजी शांति, बहिर्मुख करने से शांति नहीं। इसलिए क्या करो, समस्त इंद्रियों को भगवत की सेवा में लगाओ। इसलिए हमारा देहात्मवादी बा गृहवत हरिया जगते प्रभु साजिया छे, लेकिन हम स्वयं अभी क्या है, स्वयं मालिक बन गए, ठाकुर जी का मालिक नहीं बनाया, घर किसने बनाया, बोले मैंने बनाया ना, मैंने नहीं बनाया तो कैसे बनाया,
ये नहीं कहते ठाकुर का कृपा से ही घर बना, ठाकुर का कृपा नहीं होता तो ये घर कैसे बन सकता था, ये घर नहीं ये क्या भगवान की ये मंदिर, ठाकुर जी का ये मंदिर है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर देहात्मवादी होकर के ये देहात्म को शरीर को ही सब कुछ हम मान करके क्या करते हैं, बस घर को ही सब कुछ मान लिया, घर में ही है, बस घर का चक्की में चार तरफ में घूमते रहो, खाना पीना और भगवान घर को छोड़ करके और संसार बाहर कुछ है ही नहीं, यही घर ही सब कुछ, बेटा बेटी नाती पोती है। वो कहते ना कैलाश, कैलाश का नाम सुने कि नहीं है, भगवान नारद जी को बोले नारद जी, भगवान बोले संसार में देखा नारद जी सब दुख कष्ट है, दुख कष्ट संसार में देख कर भगवान के पास में गए, जा करके बोले प्रभु ये पूरा वैकुंठ आपको खाली पड़ा हुआ है और मैं संसार में गया था, जिसको पूछा कोई बोला नहीं हम संसार में से, सब बोले दुखी दुखी, आपका पूरा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, कुछ लोगों को उठा करके ले आओ, कोई चंदन घिसेगा, कोई फूल की माला बनाएगा, कोई रसोई बनाएगा, कोई मंदिर साफ करेगा, ले आओ ना। बोले नारद जी मैंने एक एक बार नहीं कितने हरि अनंत अनंत बार मैंने गया जगत में, लेकिन कोई भी संसार छोड़ कर जाना नहीं चाहते। बोले प्रभु मेरे को विश्वास है संसार में दुखी दुखी सब, और संसार छोड़ कर आना नहीं चाहते मेरे को, अब बहाना कर रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी तेरे ऊपर दायित्व तो दे दिया, जितने मिले ना पकड़ कर ले आ। बोले प्रभु जी मैं कसम खा कर जाता हूँ आज ये वैकुंठ भर दूंगा, आज ये वैकुंठ भर जाएगा। बस आकर किसान से पूछा, हाँ खेती कर रहा था पसीना पसीना बह रहा था, बोले भैया भैया वैकुंठ खाली पड़ा हुआ चलोगे, बोले अपना रास्ता देख, बोले वैकुंठ जाएंगे, खेती करेंगे गेहूं होगा परिवार है, बोले वैकुंठ। और थोड़ी दूर गए देखा कि माता जी कुआ पानी भर रहे, बोले तो जरूर जाएंगे, बोले माता जी वैकुंठ खाली पड़ा हुआ है। भगवान बोले जितने जीव मिलते हैं पकड़ कर ले आओ, बोले अभी अभी रोटी बना करके आई हूँ, बच्चे बैठे हैं कुआं से पानी भर ले जाऊंगी, फिर वहां पर सब्जी बनाकर बच्चों को खिला, बोले वैकुंठ है रास्ता देख, अरे वैकुंठ चलो। बोले ठाकुर तो सही बोल रहे थे, बस एक बूढ़े को देखा कैलाश, हाँ घर को बाहर बैठा हुआ, बोले ये तो रिटायर्ड लाइफ है, ये तो जरूर जाएगा, कोई तो घर का काम था, बोले तुम्हारा नाम क्या, बोले कैलाश, बोले ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले पकड़ करके ले आओ, हाँ वैकुंठ ले आओ चलोगे, बोले जाने का तो इच्छा है लेकिन एक बेटा का सगाई हो गई, खुद शादी की बात है, बस बेटा का शादी हो जाएगा सारे काम खत्म हो जाएगी सीधा हम वैकुंठ चलेंगे। बोले कब आओ, बोले सगाई तो हो गई कुछ दिन बाद में आओ, बस आया कर देखा, बोले बेटा की शादी हो गई, बोले बहुत बढ़िया बुआ है, सवेरे उठते ही प्यार छुती हैं और गर्म गर्म रोटी सब्जी और पराठा खिलाती हैं, बहुत अच्छी हुई, बोले अच्छी बात है चलो वैकुंठ चलो। बोले मैंने सुना है अगर पुत्र को जो दो ना पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, अगर पुत्र को देखो ना मैंने सुना स्वर्ग होता है, अभी बहु गर्भवती है, बस बेटा जन्म होने वाले बच्चे पुत्र देख करके को, और कोई इच्छा नहीं सीधा मैं स्वर्ग चलूंगा। बोले कब आओ, बोले कुछ दिन बाद में, देखा वही नहीं, बोले गया था ही नहीं, गया था पूछा उसको बेटे को, बोले भैया पिताजी कहाँ, बोले स्वर्गवास, बोले हे भगवान बड़े कष्ट से एक चेला बनना, चेला बन रहा था चेला भी स्वर्ग से डर गया, बोले चेला तो गया कहाँ, बोले कहीं नहीं गया होगा इस घर में, क्योंकि संसार में आसक्ति था ना, इसलिए जैसे जैसे सोच सोच करके व्यक्ति मरता है उसको वैसे ही जन्म देता है, ध्यान रखकर देखा घर में कुत्ता बना हुआ। बोले भैया दिन भर भोगो कर रहे हो क्या चक्कर है, हैं कुत्ता बन गया चलो वैकुंठ चलो। अरे गुरु जी ये बच्चा इतने नालायक है ना क्या बताऊं, हैं इतने कष्ट करके जमीन जगह सब खेती बाड़ी मैंने किया, इतने नालायक रात को सो जाते हैं, इसे रात भर भो भो करते करते इसको देखना पड़ता है। बोले कब चलोगे, बोले संसार का जोर जबरदस्ती थी, इसलिए सुना रहे हैं संसार में आसक्ति मत करो, इसी चक्कर में फंसते रहोगे, जन्म जन्मांतर घूमते रहोगे इसमें। बोले कब बताओ, बोले बच्चा थोड़ी सी होना हो जाए, फिर कुछ दिन बाद में आया कुत्ता भी मर गया, बोले गैया का देख लो बैल बनकर खेती करता है। बोले कब चलोगे वैकुंठ, बोले गुरु जी जो जमीन जगह पे सब देख रहे हैं ना इसको मैंने कष्ट करके खाया था, ये बच्चा क्या करता है थोड़ी बहुत तो खेती करता है और सब छोड़ देता है, इसको क्या पता कितना कष्ट करके मैंने ये खेती बाड़ी कमाई, देखो इसको कितना शिक्षा देते हैं,
अगर बच्चे के लिए छोड़ करके जाओ, बच्चे अगर भक्ति भजन में नहीं करे ना, तुमको भी उसी कुत्ते और बैल में जीवन में जाना पड़ेगा। बोले कम चलोगे? बोले बच्चा थोड़ा सा समझदार बन गया बच्चा, हाँ इसलिए कहते थोड़ी सी काम को निपटा दे। बोले तुम निपट जाओगे, काम कभी नहीं निपटेगा। अभी किसी ने काम निपटा पाया? हम लोग संसार में कोई काम निपटा किसका? हाँ इसलिए इसलिए खुद निपट जाओगे, लेकिन संसार का नहीं निपटेगा। फिर आकर देखता है बैल तो मर जाता है, फिर कहाँ पड़ा हुआ? पहले पहले मिट्टी में पैसा गाड़ के रख देता ना कलसी में, देखा वहीं पर सांप बनकर बैठा हुआ। सांप बनकर बैठा हुआ, बोले इसको पीछे 3 जन्म घूम गया, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है। बोले जब तो डंडा नहीं पड़ेगा ना, ठंडा नहीं होगा। बोले बेटा डंडा लेकर के आ जा, तुम्हारे घर में पिताजी कुछ सोने चांदी को गाड़ करके रखे गए, बोले ही नहीं, लेकिन वहां पर सांप बैठा हुआ और मारना नहीं इसको, केवल कमर तोड़ देना। बोले मेरे पिताजी पैसा रख कर, मेरे को पता नहीं। फिर डंडा लाया और पिताजी को मारे कमर में, और पिताजी की कमर ही तोड़ दी। देखना सांप का कमर टूट जाए ना, फिर भाग नहीं रहता है। इसको फेंको वहां से, खोदो। खोदा तो सचमुच से सोने की कलश निकलेगा, निकला जो सोने की कलश निकलेगा, वो सांप फाड़ फाड़ देख रहा था। बोले क्यों? आसक्ति थी ना, कष्ट करके कमाया ना, कष्ट करके कमाया, इसलिए फाड़ फाड़ कर देख रहा था जो ले गया। बोले क्यों कैलाश, भजन करोगे? क्या हुआ? देखा अपना बेटा कैसे कमर तोड़ दिया, एक कुत्ते जन्म ले लिया, बैल जन्म ले लिया, तुमने सांप जन्म ले लिया। तू तेरा बेटा सुधर गया क्या? बेटा सुधरा नहीं, लेकिन तुम सुधर गए, बेटा ही नहीं सुधरा है। इसलिए किसको सुधार नहीं सकते? भजन करोगे? हाँ गुरु जी भजन करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। फिर गुरु जी मंत्र पुत्र करके पानी छिड़का करवाए, फिर इंसान का जीवन लिया, फिर उनको प्रभु का नाम दिया, प्रभु की नाम दिया। फिर उसको बड़ी कष्ट से लेकर गए। भगवान बोले क्यों नारद जी, कितने लोग ले आए? बोल रहा तो पूरा वैकुंठ भर दोगे आज, कितना लोग ले आए? बोले ठाकुर जी सही बोल रहे, उसको पीछे तो 4 जन्म घूम गया। 4 जन्म घूम करके फिर इसको वैकुंठ लेकर के आए हैं। इसलिए देखो, इसलिए इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, कहते गृह व्रत या जगत प्रभु साजिया थी, स्वयं हमने क्या कर दिया, स्वयं प्रभु बन गया संसार का। बोले भैया कभी प्रभु मत बना करो, ये समझो हम भगवान की दासों का, दासों का हम दास है, प्रभु मत बना करो, नहीं तो कैलाश जैसे संसार में घूमते रहोगे। गृह व्रत अगर बन गए, घर को छोड़कर प्रभु का भक्ति भक्ति कुछ है ही नहीं, बस हो गया तुम्हारी काम, फिर संसार में भटकते रहोगे, संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा जगते भोग नेत्र देखिया दिए मने करी, हमारा सेवक सकली हमारा सेवार जन्य साजान रहिया छे। लेकिन बद्ध ये भोग नेत्र से मैं सब चीज को देखता है, सोचता है हम ही मालिक है, भोग करने वाला मैं हूँ, बढ़िया खाऊंगा पीऊंगा बढ़िया से रहूंगा, नहीं। यदि ये बुद्धि को हमें छोड़ देनी चाहिए, ये समझनी चाहिए संसार भगवान ने बनाया, भगवान का दुनिया है, इसलिए भगवान बनाए, उनको सेवा के लिए। अगर हम कुछ भी करते हैं, हमारे उद्देश्य क्या रहे ठाकुर को, हम सेवा कैसे करेंगे? कोई बढ़िया चीज मार्केट में उठाए, फल सबसे पहले बढ़िया फल आया, सबसे पहले किसके लिए फल लाओ? ठाकुर जी के लिए लाओ, भगवान के भोग लगे। बाजार में गया, बढ़िया कपड़ा हो रहा देखा, पहले ये मत समझो हम कैसे बढ़िया कपड़ा साड़ी पहनेंगे, नहीं। अगर ये अगर हम ठाकुर जी के लिए ले जाते, ठाकुर जी का अगर सुंदर करके श्रृंगार करते, तो ठाकुर कितने बढ़िया लगते। किसी घर में गए देखा बढ़िया घर बना हुआ सोफा, क्या समझे हम ठाकुर जी के लिए मंदिर सुंदर बनाए, ठाकुर जी के लिए सुंदर मंदिर बनाए, ठाकुर जी के लिए सुंदर घर बनाए हैं। इसलिए घर बनाने से पहले क्या करो, सबसे बढ़िया प्लानिंग रखो, ठाकुर जी को सबसे बढ़िया जगह पर हम ठाकुर जी को बैठाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति हमें बोले महाराज जी, तो हमारे ठाकुर को दर्शन करो। ये हमारे ठाकुर को मैंने सोचा होगा कोई बढ़िया जगह पर मंदिर बनाया होगा, तो हम लेकर गए ना, घर का जो रिजेक्ट स्थान जो कुछ काम का नहीं, बस ऐसे खोप के अंदर में ठाकुर घुस जाते। मैंने कहा भैया तुम बोल रहे थे हमारे ठाकुर को देखने चलो, ठाकुर को मैंने सोचा बढ़िया जगह पर लगा लग रहा होंगे, ठाकुर सुंदर करके घर सजाया होगा, लेकिन घर का तो रिजेक्ट का स्थान में ठाकुर को बंद कर दिया, खोपा बना कर ठाकुर जी को, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, घर मकान उसने दिया है, सब कुछ उसने दिया तुमको,
और ठाकुर जी के लिए सबसे बढ़िया जगह दिखनी चाहिए, ठाकुर घर सबसे सुंदर होनी चाहिए, ठाकुर घर सबसे बढ़िया होनी चाहिए, हैं? क्योंकि दिया उसी ने है ना, जब दिया उसी ने तो उसी को लेकर सजाओ, सबसे पहले उनको घर को सजाओ, पहले अपना को मत सजाया करो, अपना घर को मत सजाया करो। हम ठाकुर घर में सुंदर फूल ला करके, पत्ता ला करके ठाकुर जी को घर का सजाएंगे। अब देख लेना, अब जितने ठाकुर को सुंदर सेवा करोगे ना, जितने ठाकुर को श्रृंगार करोगे, देखना घर में उतना ही फल दे बढ़ते रहो, उतना ही फल। क्यों? ठाकुर खुश होंगे ना, अपने आप तुम ही खुश रहोगे। अगर ठाकुर घर में अगर खुश नहीं, ठाकुर घर तुम खुश कहाँ से हो सकते हो, खुश हो ही नहीं सकते हो। हाँ, उदाहरण देते हैं ना, जैसे शरीर को अच्छे तरह से बढ़िया करके सजाओ, शीशा के सामने खड़े हो जाओ, क्या होगा? परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपने आप तुम सज जाओगे। जैसे ये शरीर को सजाओगे, परछाई भी वैसे सज जाएगी। मूल कौन है? बोले ठाकुर जी। जब ठाकुर को सजाओगे क्या होगा? तुम अपने आप अच्छे तरह सज जाओगे, बढ़िया से सज। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि दुनिया को भोग नेत्र से मत देखा करो, कोई भी चीज देखो उसमें ये भावना रहे क्या हम ठाकुर जी को कैसे सजाएंगे। ये सब चीज अगर ठाकुर को सेवा में ले सकते हैं, पर ठाकुर कितना खुश होते हैं। हर चीज को भोग नहीं, सेवन मुख भाव से देखो। कहते अमरा सेवक सकली अमरा सेवार जने साजा साजन रही आचे खिति अब तेज मर्त गोम चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र पशु पक्षी वृक्ष लता सकली अमार भोगर जन्य साजना आचे। साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, इस संसार में जो कुछ देखते हैं, खेती आग तेज मर्त गम आकाश चंद्र जो कुछ है, हम इसको क्या, एक साधारण व्यक्ति क्या समझता है? हमारे भोग के लिए सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ मेरे भोग के लिए बना हुआ है। हमारा भाभी आमी जगत है भोक्ता, जगत सकल ही हमारे सेवा करीवे। क्या हम सोचते हैं कि हम ही भोग करने वाले, ये जगत का सब कुछ क्या है, सबके सब हम, दुनिया हमारी सेवा करे। किंतु भाविना जे ए जगत कार जन्ना वस्तु तो जगत का जगत ईश्वर सेवा रूप कर। इसलिए कभी कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि जगत जो जगत ईश्वर भगवान है, भगवान इस जगत को अपना सेवा के लिए भगवान बनाए हैं। ठाकुर जी ने अपना सेवा के लिए जगत को क्या क्या बनाए, नहीं बनाए देखो, कितने सुंदर फल है, कितने सुंदर फूल है, हर फल केले को देखो कितना मीठा है, अनार को देखो कितने सुंदर है, अनार छिड़ा रहे थे कितने सुंदर बनाए, एप्पल को देखो, चीकू को देखो, और आम को देखो, आम खाए हो, खाए कि नहीं? आम कितने सुंदर मिठा, बताओ इसके अंदर मिठास किसने भरी? इसलिए अलग अलग उसने अलग अलग इस चीज को किसने बनाया, इस सब चीज को, कि कोई भी तुम्हें फूल ले उसका जो अलग अलग रंग भरा हुआ है, अब देखना इतने सुंदर रंग किसने भर दिया है। कोई बोलते ना भगवान को तुमने देखा है, भगवान को देखा, इसलिए हम भगवान भगवान नहीं मांगते हैं। बोले भैया हम कहते ना उसको इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सब उसको इच्छा से ही सब कुछ होता है। हमने जगत में कोई भी चीज हमने नहीं बनाया, किसने बनाया? जगत को जगत ईश्वर ने बनाया। इसलिए क्या समझो कि जगत ईश्वर ने जगत को बनाया, उनकी सेवा के लिए सब कुछ बनाया। जब ये सब चीज को हम उनकी सेवा में लगा दे, सब सार्थकता हो जाएगा। इसलिए हरि भजन ना कर ले जगत रे एक तृणव ग्रहण परिवार अमर अधिकार नहीं। देखो क्या बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे का देखो क्या, तो अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करें ना, ये जगत का कोई भी चीज को तुमको छूने का भी अधिकार नहीं। अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जैसे कि पिता है, पिताजी की संपत्ति में किसका अधिकार होता है? बेटा का। कौन सा बेटा का अधिकार होता है? जो बेटा पिताजी की सेवा करता है, जो बेटा पिताजी के आदेश से पालन करता है, वही तो पिताजी की सारी संपत्ति में वही मालिक है ना। इसलिए जगत बनाया किसने? भगवान ने। अगर हम उनके आदेश को पालन करेंगे, उनकी इच्छा को पालन करेंगे, तभी तो पिताजी की संपत्ति में अधिकार तुम्हारे बन सकता है ना। अगर पिताजी की तुम्हें सेवाएं नहीं करोगे, पिताजी से उल्टा चलोगे, फिर पिताजी की सेवा वस्तु में तुम्हारे क्या अधिकार है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते ना, भजन नहीं करते हैं, बोले एक यहाँ के तृण घास भी कहते हैं ग्रहण करने का तुम्हारी कोई अधिकार नहीं। क्योंकि जगत जगत ईश्वर ने बनाया, उसका बनाया हुआ सब कुछ जगत, उसको वही ग्रहण कर सकता है जो जगत ईश्वर को मानता है, जो भगवान की भजन करता है, जो
जो भगवान की भक्ति करता है वही ही ये वस्तु को स्वीकार कर सकता है, नहीं तो कोई भी इस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करो, हरि भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो और सारे वस्तुओं को ठाकुर जी की सेवा मान करेगा है। रसोई बना तो उनकी सेवा में लगेगा, खेती कर तो यहाँ पर जो कुछ होगा किसके लिए बनेगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए जो कुछ आएगा ठाकुर का सेवा में लगेगा। हर चीज में भगवान की सेवा बुद्धि लगा लो ना, बात हो गए है। इसलिए कोई चीज हमें छोड़ने का जरूरत नहीं, कोई चीज भी हमें छोड़ने का जरूरत नहीं। कोई बोलता ना ये छोड़ो ये छोड़ो, नहीं कोई चीज हम नहीं छोड़ेंगे। दुनिया किसने बनाया, भगवान ने बनाया ना। बस हर चीज को भगवान के साथ में जोड़ लो, भगवान के साथ में हर चीज को जोड़ लो, उनकी सेवा में हर चीज लगा दो, बस काम बन गया तुम्हारे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हाँ।